हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मार्जिन आर के काल आसर में एक बार फिर से। तो दोस्तों ये है मारुति इको, और देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो और ये इस बाइक की गाड़ी है, और ये अपने इसने मेरे को रात को देखा था ना यूट्यूब पे, बस रात को देखा, और ये मेरे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था, तो ये डायरेक्ट आ गया भाई। और काफ़ी दिनों से परेशान भी था। कितने दिन से परेशान था इस प्रॉब्लम को लेकर? महीने भर से भाई इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान था। देखो ये गाड़ी ओरिजिनल पेट्रोल पर, गैस किट बहुत पहले फिट हुआ था इसमें, पर ये ओरिजिनल पेट्रोल पर चलाते हैं भाई। और देखो ये स्टार्ट कर दी, अब देखना गाड़ी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो रही है। ये देखो कितनी तेज इंजन वाइब्रेट कर रहा है, और चलती है ना तो बहुत तगड़ी मिसिंग कर रही है ना, मिसिंग कर रही है, पिकअप बिल्कुल भी नहीं ले रही है ना, पिकअप नहीं ले रही है। अब देखो ये इंजन की कंडीशन देख लो आप, है ना, ये देखो किस तरीके इंजन कांप रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और ये देखो एक्सीलेटर देने में भी देखो, ये देखो। अब ये भाई ने यानी यहाँ से हमारे पास से 40 किलोमीटर दूर मिस्त्री हैं, यानी दूसरे गाँव है ना, वहाँ पे इसने क्या क्या करवाया, तो इसके प्लग डलवाए है ना, कोयल भी डलवा ली, यानी इसने भाई ने प्लग भी डलवाया, कोयल भी डलवाया, ये देखो इस पे पैकिंग पे देखो ट्यूब लगी हुई है, इसने टेपेट भी सेट करवाया है ना, टेपेट भी सेट करवा ली, बहुत सारी चीजें करवा ली, और ये थोटर बॉडी की सफाई भी करवा ली है ना, यानी सारे काम करवा लिए भाई ने, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम है, आप खुद भी सेंस कर सकते हो, अगर आपकी गाड़ी में हो ना ऐसा कोई इशू तो आप खुद इस चीज को कर लो। देखो ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ, छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी। अब जैसे और जगह पे क्या होगा, आपके पहले है ना स्कैनर लगाया जाएगा, पूरी गाड़ी स्कैन की जाएगी, फिर उसके बाद में स्कैनर का चार्ज लिया जाएगा, और भी बहुत सारे चार्ज, या फिर आपको ऐसा भी किया जा सकता है, आपसे बोल दिया जाए भैया इसमें तो ECM डलेगी, ECM का खर्चा है, यानी इस तरीके से बता दिया जा सकता है आपको, भैया ECM डालनी पड़ेगी, जब जाकर प्रॉब्लम ठीक होगी। तो अब देखो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ एक मिनट में। देखो वैसे तो मैं बता दूँ, देखो देखो पहले कंडीशन देख लो गाड़ी की, वही प्रॉब्लम है ना, देखो इंजन देखो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, जहाँ तक बंद भी हो जाएगी ये गाड़ी, बंद हो रही है गाड़ी, बंद होती है ना। अब देखो ये देखो ये देखो ये इंजन कांप रहा है ना बहुत तेज, ये देखो ये देखो। अब प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों, देखो इसके ये सेंसर में प्रॉब्लम है ये, अब जैसे मैं इस सॉकेट को हटाऊंगा ना ये गाड़ी ठीक हो गई, ये देखो गाड़ी चालू है अभी भी, पर देखो अब इंजन का वाइब्रेट भी खत्म और इसकी मिसिंग भी खत्म है, एक्सीलेटर का पावर देखो, अब ये देखो ये एक्सीलेटर में पावर आ गया। अब ये क्या है दोस्तों, इसका है ना ये सेंसर है ना अंदर से शॉर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये सेंसर अंदर से शॉर्ट होने की वजह से ये ECM को सिग्नल देने में वीक कर रहा है, मतलब ECM का यानी जो रूटिंग होता है ना सिग्नल देने का, 1x1 सेंसरों से यानी सिग्नल लेती है और सिग्नल यानी पास करती है, और जैसे इग्निशन कोयल को सिग्नल देती है, तो वो सारे वीक कर रहा है सेंसर। अब देखो ये प्रॉब्लम मैं बता दूँ आपको, इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है। अब जैसे मान लिया आपको करना क्या, अगर आपकी गाड़ी में हो ना जैसे ओरिजिनल पेट्रोल पे गाड़ी और मिसिंग करने लग गई अचानक इस तरीके से, कोई भी स्लो में बंद हो रही, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा ये सेंसरों को हटा हटा के चेक करना है यूँ। देखो जैसे ये माप सेंसर हटाता हूँ मैं, ये देखो ये हटाया तो भी कुछ नहीं हुआ, अगर इनमें कोई भी अंदर शॉर्ट सर्किट होगा ना तो ये क्या हटाते ही गाड़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल देखो ये देखो अब मैंने ये हटा दिया, और अब देखो इंजन में फुल पावर आ गया, और इसको लगाते ही देखना वापस, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार, देखो इंजन में कोई वाइब्रेट नहीं है, इंजन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना। अब देखो ये सेंसर लगाते ही गाड़ी की, ये देखो पहले तो हल्का सा एक्सीलेटर तेज होया, अब ये देखो इंजन में वाइब्रेट पैदा हो जाया धीरे धीरे, ये देखो ये चल हो गई, ये देखो इंजन जू जू करने लग गया, ये देखो। और अब एक बार अगर ये चाबी बंद की और चल्लू करी और पूरा रूटिंग खराब हो जाएगा देखना, ये बंद की और ये गाड़ी स्टार्ट की, ये देखो फिर से वही प्रॉब्लम, ये देखो इंजन में मिसिंग पैदा हो गई है, ये देखो ये देखो ये देखो। अब इसे हटा दो बस, सिंपल सा इसे हटाऊंगा और गाड़ी की देखो ये हिलती हिलती एकदम परफेक्ट हो जाएगी देखना, ये देखो ये बिल्कुल ठीक गाड़ी, यानी कि ये इसका ये सेंसर है ना ये अंदर से शॉर्ट हो चुका है, इसलिए ECM के सिग्नल को वीक कर रहा है। सिर्फ ये छोटी सी प्रॉब्लम है, और फिलहाल अभी मेरे यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो मैं इसे हटाकर ही कस्टमर को गाड़ी हैंड ओवर करूँगा, और ये बढ़िया चलाएगा भाई। पहले कैसी चल रही थी गाड़ी? पहले बिल्कुल बकवास चल रही थी, अब सही है ना आवाज़? तो अब एक बार चला भी देख लेना आप, और उस हिसाब से बता देना। तो चलो देखो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि बताना चाहिए। अब देखो तो ये देखो दोस्तों एक छोटी सी चीज़ से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये मैंने इसीलिए बताया। देखो इंजन की आवाज़ भाई कैसी लग रही है, आप सही है ना? बिल्कुल
अब ये देखो लो भाई इतनी दूर से आया है और पिछले यानी काफी दिनों से परेशान था एक छोटी सी चीज से। लेकिन मैकेनिक लोग अलग अलग चीजें बता रहे थे इनको और अलग अलग चीजें डालते जा रहे थे, कोई ना कोयल डाल दी, कोई ना टेपिट सेट कर दिया, कोई ना क्या कर दिया, बस इस चीज को नहीं चेक किया, जबकि इसकी सफाई तक की है पूरी, बस इस सेंसर को चेक नहीं किया शॉर्ट है या नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी में हो तो दोस्तों आप खुद भी एक बार इन सबको हटा हटा कर चेक कर ले भाई, हटाने से कौन से ठीक हो रही है, मतलब ये सेंसर है, ये सेंसर है, ये सेंसर है और एक ये नीचे वाला है ना सॉकेट, ये वाला देखो एक यहाँ पर भी है, इनको हटा के चेक करना है आपको, इनकी इनमें इनके वजह से तो कोई शॉर्ट होने की वजह से तो गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस और कुछ नहीं, बस ये हटा कर दोबारा लगा दो, अगर नहीं अगर गाड़ी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है तो वापस लगा दो फिर उसके बाद में। यानी ये चीज़ें वो है जो आप खुद घर पर कर सकते हैं, यानी और ये चीज़ें ऐसी हैं इनसे आपसे मैकेनिक मोटा पैसा ले सकता है, यानी ECM तक खत्म कर सकता है इनके जरिए। तो बचे रहें, सतर्क रहे, ये वीडियो इसीलिए था ताकि अगर आप लोगों के साथ हो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक बार घर पर ही चेक कर सके, जिससे आप लोगों का फालतू पैसे ना लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन नॉलेज होगी, जो मैकेनिक का नॉलेज होगी और पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।